हेलो एवरीवन वेलकम टू प्राची रेडियोलॉजी क्लासेस तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीटी स्कैन तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ़ सीटी स्कैन सो फर्स्ट एडवांटेज इज इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैन बी सीन विदाउट सुपर इम्पोजिशन दैट मीन्स सीटी स्कैन की वजह से बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देखा जा सकता है बिना किसी सुपर इम्पोजिशन के सुपर इम्पोजिशन का मतलब होता है ओवरलैपिंग जबकि एक्सरेज़ के केस में जो इमेजेस मिलती हैं वो सुपर इम्पोज होती हैं सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ सिटी स्कैन के इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स को बिना सुपर इम्पोजिशन के हम विजुलाइज कर सकते हैं जबकि एक्सरे केस में ऐसा नहीं होता था उसमें जो हमको स्ट्रक्चर्स मिलते थे इंटरनल स्ट्रक्चर्स वो सुपर इम्पोज मिलते थे जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं इसमें एक सिटी की इमेज है और एक एक्सरे की इमेज है तो ये सिटी हेड है और एक्सरे के हेड की इमेज है तो सिटी हेड में आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर पार्ट विदाउट एनी सुपर इम्पोजिशन हमको विजुलाइज़ हो रहा है जबकि एक्सरे के केस में आप देख रहे हो जो भी ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे ओवरलैप हैं आप उनको इंडिविजुअली इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते हैं सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ सिटी स्कैन एंड द सेकेंड एडवांटेज इज टू इम्प्रूव द कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन दैट मीन्स जो कि सी टी स्कैन की इमेजेस का कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन अच्छा होता है एक्सरे की इमेजेस के कंपेरिजन में कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन का मतलब है कि टू ऑब्जेक्ट की इमेज लेना जिनकी डेंसिटी सिमिलर होती है जैसे कि लीवर और गॉल ब्लडर लीवर और गॉल ब्लडर दोनों ही सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन होते हैं और इनकी डेंसिटी लगभग सेम होती है तो उनको करने की कैपेबिलिटी होती है सीटी स्कैन में वो बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सारे ऑर्गन की डेंसिटी डिफरेंट होती है तभी हम सारे ऑर्गन्स को डिफ्रेंसिएट कर पाते हैं तो सीटी स्कैन का ये एडवांटेज है कि इसका जो कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन होता है वो अच्छा होता है जिसकी वजह से हम सारे ऑर्गन्स को डिफ्रेंसीट कर पाते हैं कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है टू डिफ्रेंसीट द ऑर्गन्स विच हैव सिमिलर डेंसिटी एंड रेजोल्यूशन का मतलब होता है क्लैरिटी एज यू कैन सी द डिफ्रेंसीशन इन द इमेज जैसे कि आप इस इमेज में डिफ्रेंसीशन देख सकते हो ऑर्गन्स की डेंसिटी के बिटवीन और डेंसिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ ब्लैकनेस और कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंसेस इन डेंसिटी इसके बाद नेक्स्ट सिटी का एडवांटेज है कि जो हमें सिटी स्कैन में इमेजेस मिलती हैं जो हम सिटी स्कैन में इमेजेस ऑप्टेन करते हैं वो स्लाइस बाई स्लाइस हमको मिलती हैं जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो जैसे ब्रेड की स्लाइसेस होती हैं उसी तरीके से हम पेशेंट के बॉडी की सिटी स्कैन में स्लाइसेस लेते हैं इसके बाद सीटी स्कैन का एक एडवांटेज ये भी है कि सीटी स्कैन में बहुत कम टाइम में ज़्यादा पेशेंट का वॉल्यूम कवर कर सकते हैं जैसा कि आप इन इमेज में देख सकते हैं सिंगल एक्सपोज़र में एक्सरे इमेज में डायफ्राम तक ही स्कैन मिला है वॉल्यूम कवरेज मिला है जबकि सिंगल एक्सपोज़र सीटी स्कैन में सिटी स्कैन के एक सिंगल एक्सपोजर में सिंफाइसिस प्यूबिस तक हमको वॉल्यूम कवरेज मिला है यानी पेशेंट का थोरिक्स और पेल्विस पार्ट एक ही स्कैन में आ गया है अनदर एडवांटेज ऑफ सिटी स्कैन इज बॉडी पार्ट्स कैन बी सीन इन थ्री डी एंड वॉल्यूम रेंडरिंग इसका मतलब ये है कि कि जब बॉडी पार्ट्स का स्कैन कंप्लीट हो जाता है तो सारी इमेजेस को थ्री डी और वी में देख सकते हैं ये सारे सॉफ्टवेयर पोस्ट प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं एम का फुल फॉर्म है मल्टी प्लानर रिकन्स्ट्रक्शन ये एक पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक है जिसका यूज़ स्कैन के कंप्लीट होने के बाद करते हैं सिटी में जो एक्जेल स्लाइसिस मिलती हैं वो एक्जेल स्लाइसिस सजाइटल और कॉर्नल में रिफॉर्मेट हो जाती हैं एम के थ्रू जिसकी वजह से हम पेशेंट की स्लाइसिस थ्री डिफरेंट प्लेन में देख सकते हैं जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो थ्री डिफरेंट प्लेन में हम विद द हेल्प ऑफ एम पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक के थ्रू इन तीन स्लाइसेस को डिफरेंट प्लेन में देख सकते हैं इस एम पी आर प्रॉस प्रोसेसिंग टेक्निक का ये एडवांटेज होता है कि हम पेशेंट की स्लाइसिस थ्री डिफरेंट प्लेन में देख सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट की डिसीज को डायग्नोस करना और भी इजी हो जाता है क्योंकि हमें थ्री डिफरेंट प्लेन मिल जाते हैं एक ही पार्ट के तो उसकी वजह से उस पार्ट को डिटेल में डायग्नोस करना और भी इजी हो जाता है फिर है थ्री डी थ्री डी का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल थ्री डी व्यू की वजह से डायग्नोसिस ईजली हो जाता है फ्रैक्चर या कोई भी एबनॉर्मेलिटी की एग्जैक्ट लोकेशन कन्फर्म हो जाती है विद द हेल्प ऑफ थ्री डी व्यू उसके बाद है वी आर वी आर का मतलब होता है वॉल्यूम रेंडरिंग वॉल्यूम रेंडरिंग जो होता है इसमें वॉल्यूमेट्रिक डेटा मिलता है स के डेप्थ में डेटा मिल जाता है जिसकी वजह से डिसीज को इंटरप्रिटेट करने में डायग्नोज करने में बहुत ही ईजी हो जाता है एंड द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ सी टी स्कैन इज रैपिड एक्यूसीजन ऑफ इमेज इसका मतलब यह है कि सी टी स्कैन में बॉडी पार्ट्स का स्कैन बहुत जल्दी हो जाता है फॉर एग्जाम्पल हेड का स्कैन थर्टी टू फोर्टी फाइव सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है एंड द अनदर एडवाटेज ऑफ़ सी टी स्कैन इज लेस टाइम कंज्यूमिंग मोडिलिटी फॉर इमीडिएट रिजल्ट इसका मतलब ये है कि सी टी स्कैन एक ऐसी मोडलिटी है जिसकी हेल्प से इमेजेस बहुत जल्दी मिल जाती हैं और डायग्नोसिस भी काफ़ी जल्दी हो पाता है जितनी जल्दी पेशेंट का डायग्नोसिस मिलेगा तो ट्रीटमेंट भी जल्दी स्टार्ट किया जा सकता है द अनदर एडवाटेज ऑफ सी टी स्कैन इज सिटी स्कैन इज पेनलेस एंड नॉन इन्वेसि प्रोसीजर टेक्निक सिटी स्कैन एक पेनलेस और नॉन इन्वेसि प्रोसीजर टेक्नीक है दैट मे हेल्प रेडोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई एंड डायग्नोस्ट डिसीज इसका मतलब ये है कि इस प्रोसीजर में पेशेंट को बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता है लास्ट एडवांटेज बट नॉट द लीस्ट सिटी स्कैन प्रोवाइड रियल टाइम इमेजिंग इसका मतलब ये है कि सिटी स्कैन की मदद से मीन्स सिटी स्कैन की हेल्प से हमें रियल टाइम यानी लाइव इमेजेस मिलती हैं एंड अलाउ कार्डियोलॉजिस्ट एंड रेडियोलॉजिस्ट टू व्यू थ्री इमेजेस ऑफ कॉरोनरी आर्टरीज नर्व्स एंड वेन्स इसका मतलब ये है कि जिसकी वजह से कार्डियोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट को आर्टरीज वेन का थ्री व्यू मिल जाता है देखने के लिए और एबनॉर्मेलिटीज को डायग्नोस करना भी उनके लिए ईजी हो जाता है नाउ कम टू द डिसडवाटेज ऑफ सी स्कैन द नंबर वन disadvantage ऑफ CT scan स्कैन इज द relatively रिलेटिवली हाई वॉल्यूम ऑफ रेडिएशन इसका मतलब ये है कि CT scan स्कैन का सबसे बड़ा disadvantage ये है कि इसमें ionizing रेडिएशन यानी एक्स रेज बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज होती है अगर पेशेंट की बॉडी में अननेसेसरी रेडिएशन देंगे तो रेडिएशन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं एंड दिस इज द मेजर disadvantage ऑफ द CT scan. स्कैन एंड द नेक्स्ट is इज़ इट इज़ हार्मफुल फॉर अनबॉर्न बेबी और प्रेग्नेंट वुमेन इसका मतलब ये है कि सी स्कैन से जो रेडिएशन इमिट होती है वो अनबॉर्न बेबीज़ फिटस के लिए हार्मफुल होती है तभी प्रेग्नेंट वूमेन का सी स्कैन नहीं किया जाता है एंड द थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ सि स्कैन इज द सी टी इक्विपमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव दैट मीन्स की जो सी टी स्कैन की मशीन होती है वो बहुत ही कॉस्टली होती है एंड द अनदर डिसएडवाटेज ऑफ सी टी स्कैन इज इट्स मेंटेनेंस चार्जेस आर वेरी हाई इसका मतलब ये है कि सी स्कैन की मशीन के मेंटेनेंस चार्जेस बहुत हाई होते हैं एंड द लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ द सीटी स्कैन इज